सशस्त्र सीमा बल आठौं वाहिनीद्वारा सीमा क्षेत्रका युवाहरूलाई लिएर शुरू गरिएको 20 दिवसीय इलेक्ट्रिसिटी अनि प्लम्बिङ प्रशिक्षण शिविरको आज यहाँको चौरेनी सार्वजनिक भवनमा समापन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। एसएसबी आठौं वाहिनीका कमान्डेन्ट मिथुन कुमारको प्रमुख उपस्थितिमा समापन कार्यक्रममा भाग प्रमुख मिरिक महकुमाका सचिव अरूण सिंहजी, अङ्गद प्रधान ध्रुव घिमिरे आदिको उपस्थिति रहेको थियो। दार्जीलिङ एकलव्य एडुकेशन सोसाइटीका संयोजक सिजु ब्यानर्जीले क्षेत्रका 20 जना युवाहरूलाई तालिम दिएका थिए भने कार्यक्रममा प्रशिक्षणार्थीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट प्रमाण पत्र पनि वितरण गरियो। और इसको हम लोग और भी एक सिद्धांत दिया और भी 10 डेज हम लोग यहाँ पे क्लास कराएंगे। जो स्टूडेंट अच्छा से नहीं सीखा उसको फिर एक बार और 10 डेज हम लोग इसलिए रखा, जो प्लम्बरिंग का ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन टोटल 15 डेज हुआ था और प्लम्बरिंग का और भी थोड़ा काम है आप लोग को सीखना है। ऐसा सोचना नहीं है जो इंडिंग प्रोग्राम हो गया और ये क्लासेस खत्म हो गया। आप लोग जरूर आइए और 10 डेज और भी अच्छा से सीखिए। मेरा जो ट्रेनर है इधर में रहेंगे, आप लोग को जरूर सिखाएंगे। और उस टाइम में सक्सेस हम लोग होंगे जब आप लोग इस ट्रेनिंग को लेके कुछ रोजगार करने का आगे बढ़ेंगे। और दार्जिलिंग एकलव्य एजुकेशन सोसाइटी के कोलेबोरेशन में इस इलेक्ट्रिशियन एवं प्लम्बिंग के 20 दिवसीय वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुल 20 ट्रेनिंग ने भाग लिया। आज उन सभी को उनके ट्रेनिंग के कंप्लीट करने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर स्टूडेंट्स, यह हमारा 30 दिन का एक इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने जो बॉर्डर एरिया के यूथ हैं 30 यूथ को हमने सेलेक्ट करके एक महीने का ट्रेनिंग दिलवाया है ताकि ये आने वाले दिन में तकनीकी ज्ञान को भी हासिल करें और आत्मनिर्भर बने, आजीविका में आने वाले समय में सहायक हो। ये निःशुल्क ट्रेनिंग प्राम हमने 8वीं वाणी सशस्त्र सीमा बल में गाँव के सरहदी लोगों के लिए आयोजित किया था जिसका आज समापन समारोह हुआ। अच्छा, 8वीं वाहिनी SSB के साथ कौन सा NGO का कोलाबोरेशन था इसमें? ये हमारे जो NGO हैं जो नाम से एक NGO है एकलव्य सोसाइटी, उसके कोलाबोरेशन से ये ट्रेनिंग हमने संपन्न कराया। तो अभी यहाँ पर जो काफ़ी अलग अलग फील्ड में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, दिसंबर महीने में जो हमारे बॉर्डर पोस्ट है अन्य, वहाँ पर हमने महिलाओं को हैंड मेड ज्वेलरी का ट्रेनिंग दिया था और आज के डेट में वो खुद से बना करके मार्केट में सेल करने का प्रयास कर रही है। साथ साथ अभी हमारा कंप्यूटर का ट्रेनिंग भी चल रहा है, 30 बच्चे उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में 45 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं एक महीने का। अभी चल रहा है मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग चल रहा है जो अभी ऑन गोइंग है, आने वाले दिन में एक हफ्ते के अंदर वो सारे ट्रेनिंग सम्पन्न होने वाले हैं। ओके, इससे अब आगे का कार्यक्रम क्या है आप लोग का? आगे का जैसे हमने बताया कि पहला तो हमारा प्रयास है कि लोग तकनीकी क्षेत्र में थोड़ा जानकारी हासिल करें एक महीने का ट्रेनिंग करके, इसमें फिर आने वाले दिन में जब इनका और भी इंटरेस्ट जगेगा तो हम एडवांस ट्रेनिंग कराने का भी कोशिश करेंगे कि जो कमी रह गई है इस 30 दिन की ट्रेनिंग में ये और भी ज़्यादा तकनीकी ज्ञान को हासिल करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को हासिल करें और जो इनका आजीविका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का उसमें काफ़ी मदद मिले, जो आने वाले समय में हम 8वीं वाहिनी इसको आयोजित करेंगे।